कार्ड ना, लाल वाली कार्ड ना। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। डील द डील डील डील। ये आईफोन। ओहो, चारों तरफ पतंग ही पतंग उड़ रहे हैं। क्या बात है, पतंगबाजी का मौसम है, मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। अरे यार, पर पैसे तो है नहीं पतंग लेने के। पापा। हाँ पापा, वो थोड़े पैसे दे दो। क्या करेगा पैसे का? पापा 15 अगस्त आ रही है ना, तो पतंग उड़ाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। कुछ ना जरा पतंगबाजी में बैठ कर पढ़ ले, पतंग उड़ाओगा फिजूल खर्चे में पैसे उड़ाओगा। फालतू में पैसे बर्बाद करने का तरीका है और कुछ नहीं। पापा प्लीज दे दो, बस थोड़े से पैसे दे दो, थोड़े से। मैं कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है पतंग उड़ाने की। छात पर तो पड़ गया, चोट खा ली, कौन जिम्मेवार होगा? पापा मैंने मम्मी से भी पूछी थी, मम्मी ने मना कर दी, तो प्लीज आप ही थोड़े पैसे दे दो, बस थोड़े से दे दो पापा प्लीज। हाँ तो बढ़िया करा ना उसने ना दिए, और मैं भी नहीं दूंगा। कोई पैसे नहीं मिलेंगे पतंग के लिए, काम कर ले बैठ के। चल बैठ के काम कर ले, पढ़ ले अपना। बिच सीने बिच वूफर बजे, जीने बिच जीने बिच आए मजे। ना मम्मी ने पैसे दिए और ना पापा ने पैसे दिए, मतलब इट्स टाइम फॉर अ स्कैम। भाई। हाँ 15 अगस्त आ रहा है तो मैं क्या करूं, और वैसे भी ना मेरे एग्जाम्स है, मेरे को पढ़ने दे। अरे तो पतंग उड़ाएंगे ना यार। मेरे को तो उड़ानी नहीं आती। अरे तो तू टेंशन क्यों ले रहा है, तेरा भाई सिखाएगा तेरे को पतंग उड़ाना। ओ भाई तू कुछ नहीं सिखाता विखाता मेरे को, मेरा ना हर बार ऐसे ही पागल होना था तू, मेरे साथ ऐसे ही स्कैम करता है तू। और हाँ पिछली बार भी है ना, तू मेरे पैसों से आईपॉड तो लिया, लेकिन आज तक मैंने एक बार भी यूज नहीं किया वो, तू ही यूज करता है उसे। अरे तू मेरा छोटा भाई है, तेरे को लगता है मैं तेरे को धोखा दे सकता हूँ? हाँ। अरे ये तेरी गलत फहमी है भाई, मैं तेरा सगा भाई हूँ, मैं तेरे साथ कभी धोखा थोड़ी करूंगा। तू पहले मेरे को बता कि मेरे को पक्का सिखाएगा ना? हाँ पक्का सिखाऊंगा, और सिखाऊंगा क्या, पतंग लूंगा बस ऊपर चढ़ा दूंगा हवा में, उसके बाद तू ही उड़ाइयो, तेरे को ही दे दूंगा पतंग, तू उड़ाता रहियो बस, मैं तो हवा में चढ़ा दूंगा और तेरे को दे दूंगा। पक्का ना? हाँ हाँ यार पक्का। ठीक है फिर उड़ाई पतंग। हाँ चल अब एक काम कर, वो गुल्लक निकाल, उसमें से पैसे निकाल, और चल पतंग लेके आते हैं और उड़ाते हैं। चल आजा जल्दी आजा। चलो आजा पतंग उड़ाते हैं, आजा आजा आजा। अरे रुक जा 2 मिनट, चार पांच पतंग तो काट लू, रुक जा अभी दूंगा तेरे को भी, घंटा दूंगा मैं इसको। अरे आज तो आसमान में पतंग ही पतंग उड़ रही है चारों तरफ, सारी पतंग काट देंगे एक एक करके, है ना? ओ भाई आज तो प्रिया भी आ रही है। है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे, है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे, है। और ये देख प्रिया के सारे आशिक मजनू कैसे उसको देखने के लिए बाहर आ गए।
देखते बेटा आज प्रिया को कौन पटाएगा। अबे ओ प्रिया को सिर्फ मैं पटाऊंगा, प्रिया सिर्फ मेरी है। अच्छा जी, कैसे पटाएगा प्रिया को? ला पतंग दे। अरे पतंग पे लिख दिया प्रिया। प्रिया आज मेरी प्रिया आसमान में उड़ेगी और एक एक की पतंग काटेगी। आए मेरी प्रिया, सारी पतंग काटनी है, प्रिया इंप्रेस हो जाओगी और तेरे भाई की सेटिंग पक्की। काट दिए ओपो। आज तो प्रिया छागी। ओए होए प्रिया, प्रिया को लाइन मारा उसी पतंग काट। अभी रुक जा, अभी रुक जा तू। ए ले ए ओपो। ओए प्रिया ने रामफल के छोरे की पतंग काट दी। अरे यह पतंग किसकी है बता? अरे विनोद की है, तो सबकी काट रहा है। विनोद की ऐसी तैसी करता हूँ, रुक जा। ओए प्रिया ने विनोद की पतंग काट दी। ओए अरे यार प्रिया कट गई। ओ भाई प्रिया नाली में गई। अरे भाई प्रिया गई नाली में यार, पकड़ा उसे कोई। वो प्रिया पड़ गई नाली में, ठाले ठाले साले ठाले। ओ वो लूट लेके, प्रिया ने लूट लेके। ओ, ओ, अरे प्रिया नाली में गई, उतार दे क्या, पड़ गई नाली में। अरे के बात होगी, आजा बाजार में चलेंगे मान जा लेने। ना ना भाई तू लिया, मैं ना आता। अरे आजा ना यार, पतंग नहीं उड़ानी। अरे मैं मान जा खुद बनाऊंगा अपने घर के अंदर। अच्छा तेरा पापा कारखाना है मान जाएगा? अरे तेरा भाई इंजीनियर है, इंजीनियर। और ऐसा कोई काम है इस दुनिया में जो तेरा भाई ना कर सके? खुद बना लूंगा मान जा, बिल्कुल पक्के वाला। अरे चल यार बाजार में पक्का मांजा मिल जाएगा, सबकी पतंग काट देंगे। भाई बाजार का मांजा तू लेके आ, मैं तो अपना हैंडमेड मांजा बनाऊंगा, बिल्कुल कांच का पक्के वाला। ठीक है, और मिल लियो फिर देख लेंगे किसकी पतंग उड़ेगी और किसकी पतंग कटेगी, पता लग जाएगा किसमें कितना है दम। देख लेंगे। ठीक है You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power. Fucking fight back. बिल्कुल प्योर शीशे का मांजा बनाया, प्योर शीशे का मांजा। और कल आसमान में सिर्फ मेरी पतंग उड़ेगी, किसी की पतंग नहीं टिकने दूंगा। इस एरिया का सबसे बड़ा पतंगबाज कौन? रचित रोजा। आपके एरिया का सबसे बड़ा पतंगबाज कौन है, कमेंट करके बताओ नीचे। शिकार तो आज काफी सारे उड़ रहे हैं आसमान में, अभी मेरा शेर उड़ेगा और सबका शिकार करेगा एक एक करके।
पक्का मान जाए खुद हाथ से बनाया है। अबे मेरी पतंग कट गई। हो सकता है एक तरफ का मांझा कच्चा रह गया, कोई नहीं दूसरी पतंग उड़ाता हूं। अरे मेरी ये पतंग भी ये साला घटिया मांझा है। हट। अबे साले नल्ले गरीब भिखारी, बोला था ना कल मांझा लेने चल साथ में, पर ना साइंटिस्ट बनूंगा और बन ले साइंटिस्ट। कटकी ना सारी पतंग, चल हट। मेरे को सड़ा पतंग उड़ाना ही नहीं है। आज तो चाइनीज मांझा लाया हूँ, महंगे वाला, सबसे पक्का मांझा है, कांच का मांझा। आज साला सबकी पतंग काट दूंगा, किसी की नहीं छोड़ूंगा, मेरी पतंग उड़ेगी बस आसमान में। आईपो आईपो, ओए काट दी, ओए इसकी भी काट दी, ओए उसकी भी काट दी। यार अरे ओ भाई, पापा तेरे ते इतनी देर के फोन करने लायक रे, तेरे ते ठाया नहीं जाता। अरे तो पापा फोन कर रहे हैं तो क्या हुआ, घर का सामान मंगवा रहे होंगे, जाके तू लिया चल, पतंग उड़ाने दे मेरे को। अरे भाई सामान लेने की ना कहते, पापा का एक्सीडेंट हो गया, अरे हॉस्पिटल ते इब्बे ही भाए हैं, जल्दी से नीचे आ जा तू, जल्दी आ। पापा पापा ये क्या हो गया आपको, इतनी चोट कैसे लग गई आपको? अरे हो के गया, बाइक पर जा रहा था, चाइनीज मांझा आ गया, गले में अटक गया, वो तो मैंने अंगूठा लगा लिया वरना पूरी गर्दन कट जाती, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये तो शुक्र है भला मानस, मैंने हॉस्पिटल ले गया, पट्टी करा लिया और घर छोड़ गया, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता आज। सही कह रहे हो भाई साहब, चाइनीज मांझों ने ना आजकल बहुत बुरा हाल कर रखा है। ये बच्चे चाइनीज मांझा ले तो आते हैं लेकिन इसका साइड इफेक्ट नहीं देखते, कितने पक्षियों के पर कट जाते हैं और पता नहीं कितने बेजुबान जानवरों के हाथ पैर कट जाते हैं और पता नहीं हर साल कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं इन चाइनीज मांझों से, और पता नहीं ये सब बैन होगा या नहीं होगा, इसलिए इन चीज़ों को हमें खुद से ही छोड़ना होगा। ठीक है भाई साहब मैं चलता हूँ, नमस्ते, ख्याल रखना अपना। नमस्ते भाई, भगवान तेरा भला करे। अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है? मैं आज के बाद कभी चाइनीज मांझा यूज नहीं करूंगा, और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कभी चाइनीज मांझा यूज मत करना, क्योंकि ये जो हादसा मैंने दिखाया है ना, ये मेरे साथ रियलिटी में हो चुका है, तो प्लीज। इस 15 अगस्त पे पतंग तो जरूर उड़ाना, लेकिन अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने आसपास के पशु पक्षियों का भी थोड़ा ख्याल रख लेना, क्योंकि परिवार उनका भी होता है और हमारा भी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।